हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर, वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी, बताइए। सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात, डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, क्या गलती करें, किससे बचना चाहिए, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए? आपको एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बना लें, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर है वो खुद का डालें, ऐसे नहीं कि भैया का, पापा का या किसी और का डाल दें, फिर ओटीपी उनके पास जाएगा, मैसेज उनके पास जाएंगे, ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर ही डालें। कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी हो, राशन कार्ड हो, वैसे आधार कार्ड तो सभी का बना हुआ है, ठीक है। तो आधार कार्ड ले लेंगे तो और बेटर है। स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए, जो इमेज आपकी, अगर आप खुद फॉर्म भरते हैं तो खुद से स्कैन करनी पड़ेगी, अगर कैफे वाले पे करते हैं तो वो खुद कर लेगा, वो उसकी हेडक है, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन होने चाहिए। इनका 10th और 12th के एजुकेशनल डिटेल्स होनी चाहिए, 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, यानी मार्कशीट, ठीक है, जिसे सनंद भी बोलते हैं शायद हिंदी में। तो 10th क्लास की एंड 12th क्लास की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, और नंबर घर से ही कैलकुलेट कर लें, क्योंकि कैफे पे फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद फॉर्म डालते हैं, खुद से भरते हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग होनी चाहिए पेमेंट के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, और टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जो भी आपने किया हो, बीएड, बीटीसी, कोई भी डिप्लोमा किया हो, डीएलएड किया हो, तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक फोटो होना चाहिए, और फोटो कैसा होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने जा रहे हैं और 4 साल पुराना 5 साल पुराना फोटो लेके जा रहे हैं, तो फॉर्म में तो लग जाएगा, लेकिन आप जब पेपर देने जाएंगे तो वो वहां पे इग्नोर कर देते हैं कि ये तुम्हारा फोटो नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत चेंजेस आ जाते हैं, 5 साल पहले क्या होते हैं, अब क्या है, तो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो खिंचा लें। पासपोर्ट साइज, साइज कितना होना चाहिए, अगर खुद भर रहे हैं तो साइज मैं बता दे रही हूँ कि 3.5 सेंटीमीटर जो है विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, 10 KB और 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है उनकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, हाइट 1.5 सेंटीमीटर हो, और 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी सभी का क्वेश्चन है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कोई कहता है कि मैंने एडमिशन लिया है तो मैं कर सकता हूँ, या फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो सभी कर सकते हैं। अगर आपने 10 दिन पहले एडमिशन लिया है तब भी आप कर सकते हैं, 2 महीने पहले किसी का एडमिशन, 1 महीने पहले किसी का एडमिशन हुआ है वो भी कर सकते हैं। मतलब जो नए बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, यानी बीएड में, बीटीसी में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में है, किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी कर सकते हैं। जिनका कंप्लीट हो रहा है वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस बार ये चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, 31/10 से, और कब तक भरे जाएंगे, 24/11 तक, नवंबर में, 1 महीने तक भरे जाएंगे। तो फॉर्म फिल कर दें, ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी भी ना करें और ज्यादा लेट भी ना करें कि टाइम टू टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, पता चले कि साइट बिजी हो रही है, ठीक है। तो टाइम से अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। फीस कितनी है, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए फीस है, और अगर एक भरते हैं, एक पेपर के लिए है 1000 रुपए, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो दोनों ही भरने चाहिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं, CDP और 2 आपकी लैंग्वेज, वो तो सेम ही है, मतलब दोनों पेपर की सेम है, तो यहाँ से आपके 90 नंबर का एरिया कवर हो जाता है, तो दूसरे पेपर की तैयारी फर्स्ट में ही हो जाती है। थोड़ा सा तुक्के भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा, तैयारी हल्की सी कर लेंगे तो भी पास हो जाएगा, ठीक है। और मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हैं, मेरे चैनल पे एनालिसिस चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम का, मैं करा रही हूँ, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे पेपर CDP के मैंने करा दिए हैं, जो बचे हैं 1-2 उन्हें भी करा देंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी कर लेंगे। और मैथ की मैराथन मैंने 2 करा दिए हैं और 1 आने वाली है, तो सारी मैथ्स की मैराथन, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन हम करेंगे कंटेंट की, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब कब करें अप्लाई, पहले आओ पहले पाओ, यानी अप्लाई कब करना है। देखो क्या होता है, जो स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं उनका पेपर भी शुरुआत में होता है, जो लेट करते हैं उनका पेपर भी लेट होता है। पिछली बार 2 फेज में पेपर हुआ था, फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में, यानी कुछ बच्चों का फर्स्ट फेज में नंबर था, कुछ का सेकंड में था। अब ये क्या मैटर था कि जैसे पहले फॉर्म डाला है आपने तो आपका पहले ही आएगा, अब किसी ने फर्स्ट डे फॉर्म डाल दिया तो क्या पता उसका फर्स्ट में ही आ जाए। अब ये भी तो दिक्कत रहती है कि फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका पेपर आ गया, पहले दिन ही आपका पेपर आ गया, और कुछ मॉडिफाई हो गया पेपर या कोई क्वेश्चन अलग आ गए, तो आपकी पहले दिन ही आफत आ जाएगी।
तो ऐसा ना हो कि इतना भी स्टार्टिंग करें कि आज ही डाल दें, या फिर ऐसा भी ना हो कि लास्ट में डालें। लास्ट वालों को ये दिक्कत रहती है कि इतने ज्यादा सेट्स निकल जाते हैं कि लास्ट में जाके फिर ये होता है कि टफ पेपर आ रहा है। ठीक है, तो आपका पेपर इस तरह से हो, सेट कल डाल दें, परसों डाल दें, दो दिन बाद, चार दिन बाद फॉर्म डाल दें। ठीक है, ज्यादा लेट भी मत करना और ज्यादा जल्दबाजी भी ना करें। ठीक है, लेकिन फॉर्म अपना डाल दें समय से। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं, हमारे सेशंस डेली चल ही रहे हैं, मैराथन क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।